पिक्चर चालू करो बे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आप देख सकते हैं हमारे साथ स्क्रीन पर हैं और उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी तक का जो एक तरीके से करप्शन स्कैम है, एक स्कैंडल है और मोदी जी को यानी कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज यू ऑलवेज मेक बिग हेडलाइंस और आज आपसे आपका प्रतिक्रिया पूछूंगी कि आपको क्या लगता है ये फैसला वाकई में क्या मोदी जी को आज इसने एक तरीके से छील कर रख दिया है इस फैसले ने। देखिए अभी चुनाव आने वाले हैं, आपको स्मरण होगा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और एक उसने एक जो मंच बनाई थी सरकार के पैसे से, सरकार के पैसे के से ज्यादा एक ऑफिसर यशपाल कपूर वो सरकारी नौकर था उस समय, उसका फायदा उठाया कि वो जाकर उसको करें। उस पर जेपी ने इतनी यानी आंदोलन शुरू की कि इंदिरा गांधी को परिस्थिति ऐसा हो गई कि उसको तो जेपी ने तो मांगा था कि वो रिजाइन करें और उसने रिजाइन नहीं किया और उसके बाद इमरजेंसी आई और फिर पिटी। और आप जानते हैं कि इमरजेंसी में इस चिंगारा से ही सारा शुरू हुआ और हमारी जनता पार्टी पावर में आई। तो आज भी इस इश्यू पर, ये तो और भी बड़ा इश्यू है और इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए जो नाजायज रूप से आई है उसको एक एक पर्दा डाल के प्राप्त किया है, उस कारण से हमारी सारी पार्टी की बदनाम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस विषय पर उसको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसी से नहीं पूछा, किसी से पार्टी में नहीं पूछा कि ये मैं करने चाहता हूँ। काला धन का तो सवाल मैंने ही पहले उठाया था, वो तो बाद में आए, उस समय तो चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात में थे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हम दूसरे लोग हमें कहना नहीं चाहिए और हमारी जैसे पार्टी को कहना नहीं चाहिए, उस पार्टी में इस ऐसे परिस्थिति में उनको उनको मान लेना चाहिए कि वो रिजाइन करें और किसी और को बनने के लिए मौका देना चाहिए ताकि हम चुनाव में सफाई के साथ जा सकेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, लेकिन आपको ये तो मांग आपने की है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना आपका ये कहना है कि पूरी पार्टी इससे सफर करेगी। लेकिन आपको लगता है कि ये इतना आसान काम है, मोदी जी तो आराम से इस्तीफा दे देंगे? ये कल मैं ये नहीं बोलता तो कल कहते हैं लोग आप क्यों चुप थे उस समय, आज बड़ी बात बोलते हैं। ये तो मैं बता रहा हूं कि ये ऐसे और भी निकलने वाले हैं। मैं तो शुरू से, लोग कहते थे क्यों आलोचना कर रहे हो, मैंने कहा कि मैं तो पार्टी को बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कल कोई ये नहीं कह सकेगा मुझे कि पार्टी में कोई नहीं था जो सवाल को उठाने वाली थे। तो डॉक्टर स्वामी, लेकिन मैं वापस उस मुद्दे पर आती हूँ, आज के ही फैसले के मुद्दे पर। आपने कहा कि ऐसी अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि उजागर होंगी, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मैं खासकर बात करती हूँ कि आज मोदी सरकार के बारे में या मोदी जी के बारे में क्या चीज आज इससे बेनकाब होती है, क्योंकि एक डेटा है जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का। डॉक्टर स्वामी इस डेटा को सुनिए, उस डेटा के मुताबिक अगर आप देखें तो बीजेपी को 90% कॉर्पोरेट डोनेशंस मिले हैं, ये एडीआर की 2022 और 23 की रिपोर्ट है, वो ये कहती है। तो अगर इतने सारे कॉर्पोरेट्स ने मोदी जी के नाम पर डोनेशन दिया है तो क्या अब उन सब की असलियत सामने आएगी और उससे मोदी जी की खुद की इमेज बहुत डाउन होने वाली है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिर्फ कॉर्पोरेट्स ने नहीं दिया है, सबकी जो जिन लोगों ने दिया उनका पहचान को छिपा के रखा है इसमें और किसी को नहीं पता है, कहीं कोई
सारी जो जानकारी है उसको लेकर एक लिफाफे में अंदर बंद करके किसी सेफ में रख दिया, ऐसा नहीं है। कहीं नहीं किसी को पता है कि किसने दिया। ये हमारी यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं एक लोकतंत्र में इतना पैसा। और वो 90% नहीं थी, 92% थी। तो मैं ये कहता हूं कि 92% आपके पास गई है और बाकी के पास है वो बाकी लोगों ने जो 8% ली है उनका भी नाम बाहर कर दीजिए। हम काम कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी का कोई नेता है उसका नाम आना चाहिए। मोदी जी की जवाबदेही कैसे बनेगी डॉक्टर स्वामी? आपको आपने तो कहा कि मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए, लेकिन आज उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? आज मोदी जी कैसे अकाउंटेबल होंगे अगर ये इतना बड़ा स्कैम था तो भ्रष्टाचार? जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को कहा था ना मैं जयप्रकाश हूं ना वो इंदिरा गांधी है मोदी, परंतु उस समय दो बड़े हस्तियों के बीच में जयप्रकाश नारायण जो जब छोटी लड़की थी सबसे इंदिरा गांधी को जानने वाले थे, उन्होंने कहा ये जो आपने एक सरकारी नौकर को लगाकर इलेक्शन की जो जो स्थल बनानी थी आपने उसके उसका फायदा उठाया, ये अपराध है तो आपको रिजाइन करना चाहिए। तो वो मैं ये और इसी से वो भ्रष्टाचार विरुद्ध में जो उन्मूलन जो कहते थे भ्रष्टाचार उन्मूलन उसका जो आंदोलन है शुरू हुई थी। तो मैं कहता हूं कि आज ये बात बार बार कहा जाएगा पब्लिक को, चुनाव में हम सब लोग इसी पर जवाब देते रहेंगे। वो पूछेंगे क्यों आपने गुप्त रूप से लिया, तो क्या जवाब देंगे हम? हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम क्या जवाब देंगे? और मोदी तो जवाब नहीं देगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं तो क्या आज मोदी जी के चलते और मोदी जी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते आज बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है? बहुत बड़ा संकट तो खड़ा हो रहा है। और जो हमारी राम मंदिर के कारण लोकप्रियता प्राप्त की वो सब घटने लग गया है। रामचंद्र जी सबसे शुद्ध थे, सबसे ईमानदार थे, सबसे सच्चे थे, और उसको राम राज्य को हम क्या मानते हैं? बहुत मानते हैं कि यहाँ कोई किसी की ठगी नहीं करेगा। तो ऐसे समय पर ये सारी चीज आकर बीजेपी को चुनाव में बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। मैं पार्टी के लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह चाहता हूँ कि इससे मुझे कुछ मिलना चाहिए या मैं कोई बदला ले रहा हूँ। कोई बदला लेने की सवाल ही नहीं है। जिस पोटला के साथ मैं बीजेपी में आया उसी पोटले के साथ आज भी जिंदा हूँ। तो इसीलिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं बीजेपी से मुझे कुछ लेना है और देना है। मैं तो देने की दृष्टि में जो भी करना था, मैंने राम मंदिर के लिए जो कोर्ट में लड़ी थी अशोक सिंघल के कहने पर, मैं मुझे एक तसल्ली है। तो ये आज मुझे चिंता सिर्फ जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी का है कि सब के ऊपर और ऐसे लोगों को पार्टी में ले रहे हैं अभी, जैसे वो महाराष्ट्र से जो कांग्रेस वालों ने, इन लोगों के खिलाफ तो हम लोगों ने यानी कितनी आंदोलन की थी, कितने केसेस डाली थी। आप अशोक चमन की बात कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल वो नंबर वन एक है, और भी मैं नाम दे सकता हूँ। नहीं लेकिन तो स्वामी मैं ये कहता हूँ कि हम किस मुंह के साथ पब्लिक के सामने जा सकते हैं? तो आज क्या मोदी जी ने बीजेपी के मुंह पर कालिक पोत दी एक तरीके से? मैं तो समझता हूँ उनके मुंह पर पड़ी है ये। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तो पता नहीं है। नहीं लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी के तो लोग ये सोच ही रहे होंगे ना कि ये तो बीजेपी के लिए ये सारे पैसे कंट्रीब्यूट किए गए ताकि बीजेपी चुनाव जीत सके। देश संकट में है। नहीं तो इसमें अब क्या आपको क्या लगता है कि मोदी जी सारा जो गलती का ठीकरा है वो नड्डा जी के सिर पे फोड़ेंगे क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष है? मैं पार्टी का अध्यक्ष को ही को निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है इस पर बोलने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस पर डाल देना चाहिए, उस पर डाल नहीं सवाल नहीं, क्योंकि सारे भाषण उस समय तो मोदी ने दिया था ना।
ये सारा मोदी की सरकार ने बनाई थी, ये पार्टी ने नहीं बनाई थी। मेरी सलाह होगी कि पार्टी से दूर रहे हैं, कहेंगे भाई हमें तो कभी पूछा नहीं, मोदी इसकी सफाई दें। मैं आपसे ये दर्शकों के लिए मैं ये सवाल आपसे दोहरा रही हूं, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए अच्छा होगा कि अगर बीजेपी इस पूरे इशू पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इशू पर मोदी जी से अपनी दूरी बना ले, आप ये कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूं, ये मैं उदाहरण कई दे सकता हूं। जयप्रकाश नारायण ने तो यही कहा था जब वो इंदिरा गांधी को सलाह दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। और जब जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने वाली थे, हम थे जनता पार्टी के बहुमत प्राप्त करने के बाद, जयप्रकाश ने कहा नहीं, हम तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़कर आए और जगजीवन राम के नाम पर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप है, हम नहीं कर सकते उसको प्रधानमंत्री। डॉक्टर स्वामी मुझे ये बताइए कि अब मोदी जी की, आपको लगता है कि जो उनका 10 साल का कार्यकाल था, ये इकलौता एक फैसला आया है बिल्कुल फैग एंड में, बिल्कुल 10 साल के, जिसने कि मोदी जी को वाकई में बेनकाब करके छोड़ दिया है? आप अखबार वाले तो कुछ पढ़ते नहीं है ना, मेरा हिंदू अखबार में शुक्रवार का पढ़िए और देखिए, मैंने जो आर्थिक में गिरावट हुई है उसकी सारी असली आंकड़े रखी है, इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। मैंने कहा कि मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, कोई नहीं आ रहा है। आप ही पूछिए, किसी को फोन करिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से, स्वामी ने ऐसा लिख दिया, आप इसके इनके साथ डिबेट करेंगे? यानी कोई बड़ा आदमी, यानी कोई मिनिस्टर हो या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, ऐसा कोई हो राजनीतिज्ञ, बाबू को नहीं बुलाना है, गजब बेइज्जती है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी जो ईमानदारी का दावा करते हैं, वो इतने ईमानदार हैं वाकई में? तो वो तो आपको ही फैसला करनी होगी ना। आप हर बात मुझसे पूछते हैं कि वो दावा करते हैं, तो उस समय जब दावा कर रहे थे तब आपको बोलना चाहिए था, क्या प्रूफ है कि आप सच्चे हैं, कि आपने आप निष्कपट हैं? ये उस समय आप लोग पूछते नहीं है, आप ही डंडोरा पीट रहे थे, मेरे हमने आपकी टीवी में देखा बहुत, ओ सब बहुत बहुत सरल है एक्सेट्रा। आप किसी आपने तो नहीं बोला, अभी राम मंदिर में जब वो बैठने लगे प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने के लिए, मैंने कहा ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नियम है कि पत्नी भी साथ बैठनी चाहिए, उस समय लोगों को पता ही नहीं था उनका पत्नी है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आपको लगता है कि 10 साल में ये एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसने की मोदी जी की जो असलियत है, जो मोदी जी ने जो एक चोला पहन रखा था, उसको बेनकाब किया है? इतना मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि शुरुआत हो गई है। और ये शुरुआत कहां लेकर जाएगी मोदी? इसमें इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे मोदी। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फैसले के बाद अब बैकफुट पर आ गए हैं कंप्लीटली? नेचुरली कौन नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट पांच न्यायाधीश बैठकर एक मत के होकर, मैंने कभी बहुत बहुत कम देखा ऐसा, राम मंदिर पर देखा पांचों पांच एक साथ आए, परंतु साधारण जब पांच जज बैठते हैं, कोई तीन तीन दो होता है या एक चार होता है, ऐसा होता है, यहाँ तो कोई भी किसी को नहीं संदेह हुआ कि ये भाई कुछ सही हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई दूंगा, अब उनको कोई तंग करेगा तो सबको खड़ा हो जाना चाहिए, आपके मीडिया भी खड़ा हो जाना चाहिए। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। जैसे मैंने चाइना का मैंने वार्निंग दिया, लोग कहते हो कल तक दोस्त था चाइना का, मैं दोस्त का, मैं तो चाइना को बहुत मानता हूँ परंतु कम्युनिज्म को नहीं मानता हूँ, वो तो बचपन से नहीं मानता हूँ। तो इन्होंने जब हमारी जमीन छीनी चुपचाप, और मोदी ने कहा कि नहीं कोई आया नहीं जो झूठ था, तो मुझे नेचुरली गुस्सा आया। कल कोई कहेंगे स्वामी तुम भी चुप थे उस समय, क्यों बोले नहीं,
इसलिए मैं बोलने लगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।